नेपाल में थप 288 जन कोरोना संक्रमित, संक्रमित के संख्या 2099 पुगल। दवाई बिनु क्वारंटाइन में रहल एक महिला के मृत्यु, कोरोना परीक्षण हो रहा। रोहतहट के गुजरा वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष गिरी तारीख में रिहा, दोषी प्रहरी की कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता बाद पत्रकार सब के आंदोलन स्थगित। देश भर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा, बेरिया डेंगू के संक्रमण देखल गई। अब ब्राजील में कोरोना से मृत्यु होने वाले संख्या 30,000 के नजीक। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगा हर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पत्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हूं। हम नूर आलम बादशाह, अब खबर विस्तार में। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से आयोजना कल नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देकोटा थप 288 जिले में संक्रमण पुष्टि भल जानकारी दिल बनी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2099 पुगल बा। रौतहट जिले के ही राजपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बैरिया स्थित स्थानीय मदरसा के क्वारंटाइन में रहल 1 से 18 वर्ष उमेर समूह के 11 जने आ उहे क्वारंटाइन में रहल 18 से 40 वर्ष उमेर समूह के 10 जने तथा रौतहट जिले के ही गढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित शंकर गुदर माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र समूह के 1 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। रौतहट जिला के ही प्रोहा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 लौकाहा माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 18 से 40 वर्ष उम्र समूह के 4 जने पुरुष तथा रौतहट जिला के ही राजदेवी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित मुड़वाला माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 1 से 18 वर्ष उम्र समूह के 1 जने आ उहे क्वारंटाइन में ही रहल 18 से 40 वर्ष उम्र के समूह के 17 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। रौतहट जिला के ही गौर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित युद्ध माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 1 से 18 वर्ष उम्र समूह के 5 जने आ उहे क्वारंटाइन में रहल 18 से 40 वर्ष उम्र समूह के 8 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। रौतहट जिला के ही यमुना माई गांव पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित सरवाठा माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 8 वर्षीय लड़की तथा 1 वर्ष से 18 वर्ष उम्र समूह के 1 जने उहे क्वारंटाइन में रहल 40 से 70 वर्ष उम्र समूह के 1 जन करके कुल 1 महिला आ 2 पुरुष में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। रौतहट जिला के विभिन्न क्वारंटाइन में रहल उल्लेखित संपूर्ण व्यक्ति सब छिमेकी मुल्क भारत से आयल बुझल गेल बाटे। ऐसा ही बारा जिला के देवताल गांव पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित नेपाल राष्ट्रीय निम्न माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल 1 से 18 वर्ष उम्र समूह के 1 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ई 2 नंबर प्रदेश में अभी तक 104 जने कोरोना संक्रमित इलाज बाद ठीक भी भइल बानी। बैथड़ी में क्वारंटाइन में बैठल एक महिला के मृत्यु भइल बाटे। पुरचौड़ी नगर पालिका 4 भटना स्थित मालिका माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में श्रीमान आ 18 महीने बच्चा सहित रहल भटना के 22 वर्षीय सुनीता लोहार के आज सवेरे मृत्यु भइल बाटे। मृतक भारत के पंजाब से मोटू रोग के इलाज करा के लौटल, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण विगत 12 दिन से दवाई सेवन करे ना सकल। उनकर श्रीमान हरीश लोहार बतैनी, उनका कोरोना परीक्षण करेला स्वाब संकलन करे के तैयारी हो रहा। स्वास्थ्य कार्यालय बैतड़ी के प्रमुख योगेश प्रसाद भट्ट जानकारी देनी। नेपाल से भारत गए नेपाली जमाती के कोरोना फैलावे ला आयल आरोप लगावत भारत सरकार से मुद्दा चलावल जा रहा बा। भारत गए नेपाली जमाती सब हमनी के उद्धार कर देवला समेत आग्रह कैले बा। लोग मुस्लिम धार्मिक यात्रा के जमाती सब 12 से 4 जने, रौतहट से 16 जने दिल्ली पुगल रहनी। उहे समय में लॉकडाउन शुरू भैया के कारण वहाँ रुके में बाध्य भइल रहनी। नेपाल से कोरोना फैलावे ला अपन देश में आयल कहत वहाँ प्रहरी मुद्दा चलैले बाटे। उ लोग हाल भारत के दिल्ली स्थित नेरौला के एक स्थानीय क्वारंटाइन में रहल 12 के निजगढ़ से गए जमाती मियाद आलम बतैनी। विराटनगर में भइल धार्मिक कार्यक्रम समाप्त करके फागुन 7 गते भारत पुगल 12 निजगढ़ के 2 जने सहित 20 जने दिल्ली से नेपाल लौटे के क्रम में लॉकडाउन के कारण रोकल गई मियाद आलम के भाई लकी अली बतैनी। नेपाल प्रहरी में कोरोना संक्रमित की संख्या 23 पुगल बा। प्रहरी प्रवक्ता DIG नीरज शाही अभी तक 23 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण देखल गई जानकारी दिल बनी। वहाँ के अनुसार पिछला बेरी कर्नाली प्रदेश के 2 जने प्रहरी में संक्रमण देखल गई रहे। वहाँ के 12 में 7, कपिल वस्तु में 2, बांके में 1, धनुषा में 3, सप्तरी में 2, सिराहा में 2, कर्नाली प्रदेश में 2 और काठमांडू में 2 जने करके 23 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बतैनी। काठमांडू में संक्रमण देखल गई दोनों जने प्रहरी ठीक होकर लौट चुकल बानी। प्रहरी पर आक्रमण कैल आरोप में पकड़ाऊ पड़ल रौतहट के गुजरा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष
पवन राजगिरी आज तीसर का दिन रिहा भलवानी वार्ड दल से गिरी ऊपर संक्रमण रोग एन 2020 अंतर्गत प्रहरी से मुद्दा दर्ता करके कानूनी प्रक्रिया अनुसार आज जिला प्रशासन कार्यालय रोहतहट से तारीख में रिहा भलवानी वार्ड दल से गिरी के 15 दिन के तारीख दे के भेजल गई घटना बारे था अनुसंधान हो रहा जिला प्रशासन कार्यालय रोहतहट के प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारी बतल बानी गुजरा नगर पालिका स्थित उपमेयर रोशन खातून शेख आ वार्ड अध्यक्ष गिरी बीच क्वारंटाइन में संबंधी विवाद भैया पर कुछ स्थानीय सब पथराव कैला पर इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर चंद्रकिशोर शाह के चोट लगला से प्रहरी उनका के पकड़ाव कैले रहे। परसा के प्रहरी उपेक्षक गंगा पंत दोषी प्रहरी की कार्रवाई करके प्रतिबद्धता जनैले बाद पत्रकार सब के दूसर का चरण के आंदोलन स्थगित भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय में आज सवेरे भइल छलफल में प्रहरी उपेक्षक के पंत पत्रकार तिवारी यादव पर भइल दुर्व्यवहार के घटना में संलग्न प्रहरी अधिकृत सब सहित के प्रहरी के सचेत करावे के विभागीय कार्रवाई के खातिर सिफारिश करे के प्रतिबद्धता जनावल नेपाल पत्रकार महासंघ परसा के कार्यवाहक अध्यक्ष अनुप तिवारी जानकारी देनी। साथ ही अब उपरांत ऐसा घटना न होके के मातहत के प्रहरी के सचेत करावे के आ पत्रकार सबके सूचना संप्रेषण करे समेत सहज वातावरण बना के प्रतिबद्धता एसपी पंत से व्यक्त कैले बाद अभी तक ला आंदोलन स्थगित कल गई वहां के जानकारी दिले बानी। बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान से 18 जने कोरोना संक्रमित इलाज बाद ठीक होकर डिस्चार्ज भइल बानी। झापा के 17 पुरुष आ सुनसरी के एक महिला करके 18 जने कोरोना जीत के घर लौटल बानी। उ लोग के बीतल रात डिस्चार्ज कल गई प्रतिष्ठान जनैले बाटे। वही अवसर में धरान उपमहानगर पालिका के मेयर तिलक राय सहित अस्पताल के चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब उ लोग के पुष्पगुच्छा देके विदाई कैले रहनी। अब प्रतिष्ठान में 80 संक्रमित शंकास्पद 5 जने आइसोलेशन में रहल डॉक्टर लोग जानकारी दिले बानी। वीरगंज के आदर्श नगर स्थित चित्रलेखा फोटो स्टूडियो में नाबालिग प्रयोग करके अश्लील गतिविधि कैला संख्या में पकड़ाव पड़ल 4 अभियुक्त ऊपर बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दा दर्ता भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में 2 नाबालिग के प्रयोग करके स्टूडियो भीतर अश्लील गतिविधि कैले मिलल रहे। पकड़ाव पड़ल स्टूडियो संचालक बजू प्रजापति बबलू शेख बादल जायसवाल आ मनीष मिश्रा के बाल यौन दुर्व्यवहार आरोप में 3 वर्ष कैद सजा के मांग दावी करत मुद्दा दायर कैल गई। परसा प्रहरी के प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत जानकारी दिलवानी। नियंत्रण में आयल 11 आ 13 वर्ष के नाबालिग अभी प्रहरी के संरक्षण में बाल मैत्री कक्ष में बालोग। एसपी पंत के अनुसार बाहर आयल अफवाह जैसन ही घटना न भइल आ लड़की से समेत बयान में वास्तविक कुरा न कह देला से अनुसंधान में प्रहरी के छानबीन करेला समय लगे के वहाँ के बतैनी। देश भर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा बेरिया डेंगू के संक्रमण भी देखल गई बाटे। अभी तक देश के विभिन्न जगह में करके 82 जने में डेंगू संक्रमण देखल गई इपिडीमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा जनैल बाटे। महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर वासुदेव पांडे के अनुसार गत पूस से अभी तक देश के 26 जिला में डेंगू के संक्रमण देखल गई बा। सबसे ज्यादा रूपंदेही में 35 जने संक्रमित बानी। ऐसे ही मैगदी में 12 जने, कास्की में 10 जने, काठमांडू में 7 जने, बागलुंग 2, ललितपुर 4 जने, सुनसरी में 4, मुरंग में 3, कपिल वस्तु में 3 जने, तेरथो में 2, बांके में 1, नुआखेट में 2, कैलाली में 2, धनकुटा में 2, धादिंग में 2 जने में डेंगू के संक्रमण देखल गई बाटे। ऐसे मकानपुर, गोरखा, नवलपरासी, पालपा, झापा, दांग, डडेलधुरा, रामेछाप, बांके, उदयपुर, पश्चिम नवलपरासी, तनहू में 1 जने में डेंगू देखल गई बा। ब्राजील में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की संख्या 30,000 के नजीक पुगल बा। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय से दिए जानकारी अनुसार अभी तक ब्राजील में 29,927 जने के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भइल बाटे। काल सार्वजनिक कल गए तथ्यांक अनुसार पिछले 24 घंटा में मात्र ब्राजील में कोरोना वायरस से 623 जने की मृत्यु भइल बाटे। ऐसे ही पिछले 24 घंटा में ब्राजील में 11,598 नया संक्रमित मिलल बानी। इस संख्या ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले संख्या भी 5,26,447 पुगल बा। भारत में कोरोना के अवस्था भयावह बनत गई बाटे। बीतल 24 घंटा में भारत में कोरोना से 200 जने के जान जा चुकल बा। इस संगे भारत में कोरोना के कारण जान गांव वाले के संख्या 5,608 पुगल बा। ऐसे ही पिछले 24 घंटा में भारत में 7,761 कोरोना संक्रमित मिलल बानी। कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 198,317 पुगल बा। इमे 95,794 जने ठीक होकर घर लौट चुकल बानी। 97,800 जने स्वास्थ्य कर्मी के निगरानी में रह बानी। 8,944 संक्रमित के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर रहल बा। लंबा समय से लॉकडाउन के भारत काल से चरणबद्ध रूप में हल्का बनावत ले जा रहल बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ष द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगाया आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 32, दोपहरिया 40 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गई बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:11 में बेर उगल रहे, सजिया 6:55 में बेर डूबल बा।
आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपाल में थप 288 जने कोरोना संक्रमित, संक्रमित के संख्या 2099 पुगल। दवाई बिनु क्वारंटाइन में रहल एक महिला के मृत्यु, कोरोना परीक्षण हो रहल। रौतहाट के गुजरा वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष गिरी तारीख में रिहा, दोषी प्रहरी की कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता बाद पत्रकार सबके आंदोलन स्थगित। देश भर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा, बेरिया डेंगू के संक्रमण देखल गई, अब ब्राजील में कोरोना से मृत्यु होकर लगे संख्या 30,000 नजीक। बारह जिला के सिमरनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी, नमस्कार।